22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। इसी दिन रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 22 जनवरी को भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। भगवान राम के ससुराल जनकपुर में भी विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि जनकपुर का नाम राजा जनक के नाम पर पड़ा है, जो माता सीता के पिता हैं और अयोध्या माता सीता का ससुराल है। जनकपुर अयोध्या से लगभग 500 किलोमीटर दूर है। जनकपुर शहर इस समय 2400 घंटे भगवान राम और माता सीता के भजन से गूंज रहा है। जानकी मंदिर को रोशनी से सजाया गया है और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के करीब आते ही जनकपुर धाम के हर निवासी के चेहरे पर उत्साह देखने को मिल रहा है। माता सीता का ननिहाल जनकपुर धाम अब खुशियों से भर गया है, क्योंकि 22 जनवरी को श्री राम अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। अयोध्या में जो रामलला का जो घरवास हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर, हनुमान जी के बिना तो राम जी नहीं चलते हैं, तो हम लोग यहीं पर प्रोग्राम, 3 दिवसीय प्रोग्राम कायम किए हैं कि भाई काम करना है, तो अष्टजाम आज चल रहा है। 24 घंटे का अष्टजाम आज शुरू हुआ 1 बजे, कल शाम तक चलेगा। उसके बाद में परसों मतलब 22 तारीख को 10 बजे हनुमान आराधना और 4 बजे तक चलेगी हनुमान आराधना, और 4 बजे के बाद में द्वारस पाठ, मतलब हनुमान चालीसा 12 बार पढ़ेंगे, वो प्रसाद चढ़ेगा भगवान को। उसके बाद में 6 बजे हम लोग 1008 मंदिर के तरफ से हम लोग दीप, मट्टी का दीप तेल रख के उसमें जलाया जाएगा, वो पूरे लेडीज के हाथ से, महिला के हाथ से। हम लोग के घर में तो लक्ष्मी महिला ही होता है, इसलिए लक्ष्मी के हाथ से ही लक्ष्मी जलेगी। यहाँ जनकपुर और अयोध्या का संबंध बहुत गहरा है, आत्मीयता है, और जनकपुर और अयोध्या के कमती में हम लोग का बहुत आशा है कि 1 या 2 बार महीना में और मंथली में ट्रेन चले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर धार्मिक आस्था का केंद्र है। अयोध्या और जनकपुर के संबंध है, बेटी और दामाद का भी संबंध है, इसलिए जनकपुर और अयोध्या चलने से बहुत ही पर्यटक का हम लोग का बहुत अच्छा रहेगा। और हम लोग बहुत आज सुन करके उत्साहित हैं कि आज से ट्रेन टिकट काटेंगे और अयोध्या के लिए जाएंगे, तो हम लोग बहुत उत्साहित हैं कि हम लोग भी इसमें सहभागी होना पाएंगे और हम लोग भी भाग्यमानी होंगे। लेकिन ये रहा बात सुरक्षा का, इसलिए हम लोग नहीं जा पाए। खैर कोई बात नहीं, अयोध्या का हम लोग जनकपुर धाम से ही समझेंगे, अयोध्या माता और अयोध्या धाम, जय श्री राम। 22 जनवरी को जनकपुर में दीपावली जैसा माहौल होगा और पूरा जनकपुर दियों से जगमगा उठेगा। देवी सीता का मायका जनकपुर अब जय श्री राम के उद्घोष के साथ साथ रामलला को समर्पित गीतों की सार्वजनिक स्क्रीनिंग के साथ शहर में लाउडस्पीकर गूंज रहे हैं। अयोध्या में मंदिर बनने का यहाँ जनकपुर नगर वासी और विद ऑल कंट्री में सभी को उत्साहित है कि अयोध्या राम जी का, रामलला जी का जो मंदिर बन रहा है, इसमें सभी को खुशी है और सारे नगरवासी एकदम खुशी में मगन है। अयोध्या के मंदिर निर्माण के उद्घाटन के लिए हमारे जनकपुर के कुछ मेंबर लोग भी गए हुए हैं दर्शन करने के लिए, और कुछ जो व्यक्ति गिना जो है वो भी जाने वाले हैं, तो वो लोग 25 तारीख से दर्शन उन लोगों को शायद मिल सकेगा। और हम लोग जो है जानकी मंदिर के प्रांगण में 1.25 लाख दीप जला के, और आगे जो है सब पूरे नगरवासी लोग को हार्दिक निवेदन है कि अपना अपना घर में दीप जला के भव्यता रूप में दीपावली मनाने के लिए। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का भव्य अभिषेक समारोह आयोजित हो रहा है। राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के अनुसार वाराणसी के पुजारी लक्ष्मीकांत दीक्षित प्रतिष्ठा समारोह के दौरान मुख्य अनुष्ठान करेंगे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। इस समारोह के लिए राजनेताओं, संतों और मशहूर हस्तियों सहित 7,000 से अधिक लोगों को आमंत्रित किया गया है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।